Hello students, today we are going to learn about how to find square root of decimal numbers by division method, chapter number 6, square and square roots, class 8, mathematics. So let's take one example, 8836, 88.36. We have to find out the square root of 88.36. So how to find out? First of all, as usual, you have to make the arrangement like this. जो इंटीजर पार्ट है उसके ऊपर बार लगाना था इंटीजर पार्ट क्या है एटी एट है उसमें हमें पीछे से स्टार्ट करते थे नाउर वीव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंटीजर पार्ट इंटीग्रल पार्ट को करना देन द डेसिमल पार्ट उसके बाद हमें डेसिमल पार्ट पे जाना है सोरे सो दिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ व्हाट वी आर स्टडी इन डिविजन मैथड में हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा हमें अलग है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहां से स्टार्ट करना है इंटीजर पार्ट से फिर डेसिमल पार्ट से करना है द मेथड इज सेम वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर हमें ऐसा नंबर निकालना है दैट 88 विल कम और लेस देन इट विल कम सो वी नो वन वन 2 टू 9 जा नाइन 9 जी एटी एंड It is just the less than so nine nine 81. The same number you have to multiply. So subtract now eight minus one, seven. Up decimal hai, aap transfer kar Next step is that whatever decimal part comes, transfer and carry down full number 36. Full pair up carry down karna. Hai. Then next step is also same again: 9 plus 9, 18.

सेवेंटी थ्री तो यहीं पे आ गया हमारा तो नेक्स्ट वाला में आएगा ही नहीं तो फोर टाइम्स हमें करना है सो वन एटी फोर फोर सा सो क्या आया हमारे पास सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स आ गया सो so, क्या आ गया अंडर रूट ऑफ एटी एट पॉइंट थ्री सिक्स दिस कम्स द स्क्वासिमल नंबर नाइन पॉइंट फोर नाउ let's टेक वन मोर example अब एक example होते हैं थ्री डिजिट्स का example ले लेते हैं let's टेक वन मोर Suppose we need to find the square root of 9.61, 9.61 का स्क्वेर रूट निकालना है। So again, what we have to do, again हमें क्या करना है? First of all, you have to make the arrangement like this. Put the number inside decimal number. Now next step is you have to put bar, bar लगाना इंटीजर पार्ट पे पहले लगाना। यहाँ पे इंटीजर पार्ट सिर्फ 9 है, so only one. ऐसा नहीं कि नाइनटी पे पूरे पे लगा दो ऐसा नहीं करना है इसमें सबसे पहले इंटीजर पार्ट पे लगाना है उसके बाद हमें डेसिमल पार्ट पे लगाना है तो इंटीजर पार्ट पे सिर्फ ओनली नाइन है तो सिर्फ नाइन पे बार आएगा यहां टू डिजिट्स थे इसलिए पूरे पे बार है, दो पे आके टू टू का पेयर बनाना है अगर यहां पे थ्री डिजिट होते हैं सपोज करो ऐसा होता थ्री होता तो हम कैसे बार लगाते हैं हम सबसे पहले इंटीजर पार्ट पे लगाते सेवनटी नाइन थ्री तो ये इंटीजर पार्ट के पहले से पेयर बनाना पीछे से ही चलना है इंटीजर पार्ट में भी थ्री सेवनटी नाइन पॉइंट होता है तो सेवेंटी नाइन पे एक बार लगाओ फिर थ्री पे लगाओ सो so हियर हमारे सिर्फ ओनली वन डिजिट इज देयर सो नाइन एंड द सेकेंड बार इज सिक्सटी वन नाउ यू टू अगेन सर्च द नंबर हमें नंबर सर्च करना है थ्री थ्री नाइन विनो और इससे लेस देन तो करना ही नहीं जब वो नंबर ही आ गया तो दैट नंबर ओनली वी हैव टू टेक कट हो गया डेसिमल पार्ट वी हैव टू ट्रांसफर नाउ कैरी डाउन सिक्सटी वन नो आपको ऐड करना है थ्री प्लस थ्री कितना हुआ सिक्स नाउ यू हैव टू पुट वन ब्लैंक हियर और एक वन ब्लैंक हियर एंड वी नो कि दो नंबर से वन आता है या तो वन वन झा या फिर नाइन नाइन जटी वन से तो सिक्सटी वन तो वन वन से ही आएगा दैट वी नो से थर्टी सिक्सटी वन वन जा सिक्सटी वन नाइन से लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सिक्सटी वन वन जा सिक्सटी वन सब ट्रेक करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया डेसीमल का नाइन पॉइंट स्क्वायर रूट हो गया हमारा थ्री पॉइंट वन सो दिस कंप्लीट द डेसीमल पार्ट आल्सो कि आपको समझ में आया हो होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्र रूट ऑफ डेसीमल नंबर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो